हेलो हेलो गाइस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्राउज़र के बारे में जिसकी जो साइज़ है वो 400 MB से भी कम है। और दोस्तों मैंने उसे चेक भी कर लिया है, वो बहुत ही अच्छी तरह वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आज बेसिकली आपको उसी ब्राउज़र के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी 400 MB से कम में वो अच्छा एक अच्छा वाला ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डाउनलोडिंग लिंक बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है VIA और सर्च कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पर ही VIA ब्राउज़र लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये जो ब्राउज़र है उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों उसकी जो रेटिंग्स है वो आप देख सकते हो, 4.5 उसकी रेटिंग है और 1 मिलियन डाउनलोड है। और उसकी जो साइज़ है वो बहुत ही कम, 400 MB से भी कम है। और आप रिव्यू भी बहुत अच्छी तरह देख सकते हो। और दोस्तों मैंने खुद भी उसे चेक किया है, वो बहुत ही अच्छी तरह वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, इसलिए हम ब्राउज़र को यहाँ से ही ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जो ब्राउज़र ओपन होता है तो कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस दिखता है। बहुत ही सिंपल सा उसका इंटरफेस है, लेकिन दोस्तों ये काम बहुत ही अच्छी तरह करता है। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर हमें होम पेज लिखा हुआ दिख रहा है। वहाँ पर हम डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट को डालकर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ www.youtube.com और यहाँ पर जो गो का बटन है उस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर YouTube जो है वो खुल चुका है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम डायरेक्टली किसी भी वेब पेज को सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको एक बार दिख रहा है, वहाँ पर हम डायरेक्टली किसी भी चीज़ को गूगल सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ YouTube, तो दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर जो है YouTube के जो गूगल सर्च रैंकिंग में हमें गूगल पर ये सर्च करके हमें रिजल्ट देता है। तो दोस्तों ऊपर हम वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और नीचे जो है वो गूगल सर्च हम कर सकते हैं। दोस्तों हम किसी और भी सर्च इंजिन को लगा सकते हैं, वो मैं आपको बात को बाद में मैं आपको सेटिंग्स में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उसमें जो गूगल का सर्च इंजिन है वो डिफ़ॉल्ट आता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे दो बटन लेफ्ट और राइट के, वहाँ पर से हम दोस्तों बैक बैक और फॉरवर्ड जा सकते हैं। हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं और हमें उसमें से बैक जाना है तो हमें सिंपली बैक बटन को प्रेस करना है। और अगर हम बैक आए हुए हैं और फॉरवर्ड जाना है तो हमें सिंपली फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बैक बटन और फॉरवर्ड का बटन बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीच वाला बटन है वो होम का बटन है। हम होम बटन को प्रेस प्रेस करके हम कहीं कुछ कहाँ पर से भी डायरेक्ट हम होम पर आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब और मुझे डायरेक्टली होम पर आना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर होम बटन प्रेस करूँगा और मैं फिर से जो होम इंटरफेस है उसमें आ जाऊँगा। दोस्तों होम के बाजू में हमें मिल रहा है यहाँ पर विंडो टैब। यहाँ पर हम जितने भी चाहे विंडोज़ खोल सकते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ सर्च कर सकते हैं। वो आप सबको पता है हर एक ब्राउज़र में ये फीचर होता है। तो यहाँ पर सबसे मुझे पेज ऐड करना था तो मैं सिंपली यहाँ पर बीच में जो प्लस वाला बटन है वहाँ पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो पेज खुल चुके हैं, पेज ऐड हो चुका है। अब मैं दोनों पेज में जो भी चाहूँ वो सर्च कर सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर उसके लेफ्ट साइड में आपको ये बटन दिख रहा है, उससे हम जितने उसमें से हम ऑल टैब ऑल भी जितनी भी विंडो हमने खोली हुई है उसे हम ऑल दी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर उसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन पुश नोटिफिकेशन आ चुका है क्लोज ऑल टैब्स। तो मैं उसे ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे जो टैब्स है वो बंद हो चुके हैं। और दोस्तों उसके जो प्लस का बटन है उसकी राइट साइड पर आपको ये जो सिंबल दिख रहा है वो इंट्रोगेट विंडो का है। अगर मैं उसे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यू आर गॉन इंट्रोगेट ब्राउज़र। तो दोस्तों यहाँ पर हम इंट्रोगेट ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए भी उसको ऑफ कर देता हूँ और चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो यहाँ पर हमें जो राइट साइड में बिल्कुल आखिर में आइकॉन मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे आइकन छुपे हुए हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला है बुकमार्क का। तो दोस्तों बुकमार्क में हम बेसिकली कोई भी वेबसाइट को पहले से हम बुकमार्क बनाकर सेव कर सकते हैं, और जब भी जाए वहाँ पर हमें सिर्फ उसे क्लिक करना है और वो वेबसाइट ऑटोमेटिक खुल जाएगी। यानी कि हम किसी भी वेबसाइट को हम
सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो हिस्ट्री का है, यहाँ पर हम हिस्ट्री दिखा रहा है। मैंने ऑलरेडी मैंने जो सर्च किया था वो क्लियर कर दिया था, तो यहाँ पर अभी हमने जो सर्च किया है वो दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर होम यूट्यूब दिखा रहा है, यूट्यूब गूगल सर्च हमने किया था, फिर हमने दोबारा यूट्यूब गूगल सर्च किया था, तो ये हिस्ट्री दिखा रहा है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन जो है वो डाउनलोड मैनेजर। तो दोस्तों उसमें जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड मैनेजर होता है वो हमारे जो मोबाइल का डाउनलोड मैनेजर है उसी को यूज़ करता है। जैसे कि मैंने उस पर क्लिक किया तो वो मेरे मोबाइल के डाउनलोड मैनेजर पर मुझे ले जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें अगर आपको एक्सटर्नल डाउनलोड मैनेजर ऐड करना है तो वो भी हमको सेटिंग में ऑप्शन मिल जाता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं आपको बाद में डाउनलोड मैनेजर ऐड करके भी दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन मिल रहा है शेयर का, ये सिंपली हम अपने दोस्तों के साथ इस ब्राउज़र को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है तो सिंपली शेयर बटन पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से या कहीं से भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों उसके नीचे हमें नाइट मोड मिल जाता है। अगर हम नाइट में किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें नाइट मोड दिख जाता है। जैसे कि ये बहुत सारे ब्राउज़र्स में ये फीचर्स होता है, यानी कि स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, जिससे कि हमें नाइट में सर्च करने में आसानी होती है और आँख के लिए भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल के लिए नाइट मोड को ऑफ़ कर देता हूँ। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन मिल रहा है वो ऐड बुकमार्क पर है, बुकमार्क का है। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर हम लोग बुकमार्क को सेव करके जब भी चाहे वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हमें ऐड कहाँ से करना है? तो हमें ऐड यहाँ पर ऐड बुकमार्क पर क्लिक करके के करना है। तो मैं यहाँ पर ऐड बुकमार्क पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे पूछ रहा है टाइटल के लिए, तो मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ। जैसे कि मुझे जो भी कोई वेबसाइट अगर मुझे सेव करनी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जैसे कि लिख रहा हूँ google.com, तो मैं यहाँ पर गूगल उसका नाम दे दूंगा। और यहाँ पर जो नीचे है वहाँ पर मैं google.com उसका जो डोमेन नेम है वो मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं google.com लिख देता हूँ। और फोल्डर जो है वो मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है, अगर मुझे दूसरा बनाना है तो मैं दूसरा नाम दे दूंगा, लेकिन मैं वन फोल्डर में ही सेव करूंगा। तो मैं सिंपली वन पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पर पॉपअप मैसेज आ चुका है कि जो बुकमार्क है वो सेव हो चुकी है। अब हम वहाँ से हम उसे कहाँ से एक्सेस करेंगे? तो हम सिंपली यहाँ पर बुकमार्क में जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल नाम का फोल्डर बन चुका है। यहाँ पर मैं उसे क्लिक करता हूँ तो वो डायरेक्टली मुझे गूगल पर एक्सेस करा देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप विंडो को सेव, आप बुकमार्क को सेव कर सकते हो। दोस्तों बुकमार्क के बाद हमें दूसरा ऑप्शन टूल्स का मिल जाता है। टूल्स में बहुत सारे ऑप्शन छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो शो इमेज विजिबल, यानी कि यहाँ पर जो हम मैंने अभी विजिबल कर रखा है, अगर मुझे इमेज को ब्लॉक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, आपको इस शायद समझने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये यूट्यूब जो है वो ओपन हो चुका है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और टूल्स में जाकर यहाँ पर अगर इस वाले पहले आइकॉन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर शो इमेज वाला आ चुका है। मेरा ऑप्शन ऑलरेडी ऑफ था। और मैं अगर फिर से वहाँ पर जाकर उसे टैप करता हूँ तो यहाँ पर ब्लॉक इमेज वाला आ चुका है। और मैं अपने विंडो को अगर रिफ्रेश करता हूँ तो जो सारे इमेज है वो लोड ब्राउज़र नहीं करेगा, वो हमें बिना इमेज के ही चीज़ें दिखाएगा। तो दोस्तों अगर आप इमेज को एक्सेस करना नहीं चाहते तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। मैं यहाँ पर उसे फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर देता हूँ और चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन हमें मिल जाता है वो मिलता है डेस्कटॉप साइट का। तो दोस्तों डेस्कटॉप साइट यानी कि हम पीसी में जिस तरह साइट को एक्सेस करते हैं वैसे इसी तरह हम मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो यूट्यूब ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप साइट में खुलने लगा है, यानी कि वो पीसी की तरह बिल्कुल खुलने लगा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो डेस्कटॉप साइट अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है फुल स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, जैसे कि ये होम बटन है, यहाँ पर ऊपर बुकमार्क दिख रहा है। तो हम फुल स्क्रीन करके सिंपली उसे गायब कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने उसे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जो विंडो है वो और भी बड़ी हो चुकी है। तो इस तरह से आप फुल स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसे ऑफ कर देता हूँ। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारा यूज़र एजेंट।
तो दोस्तों यूज़र एजेंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों यूज़र इंटरफेस की बात हो रही है। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट चूज़ करेंगे तो जो ब्राउज़र की तरफ से डिफ़ॉल्ट है यही यूज़र इंटरफेस हमें मिलेगा। यहाँ पर अगर हम क्रोम पीसी चूज़ करते हैं तो हम क्रोम में जैसे ही वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, क्रोम में जो चीज़ें हम जब भी कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो क्रोम में जैसा आता है वैसा आएगा। यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आईफोन है, सैम्बियन फ़ोन है, और हम उसे कस्टम भी सेट कर सकते हैं जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स फॉक्स की तरह और बहुत सारे ब्राउज़र्स की तरह उसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसलिए है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो कॉपी लिंक का है। यहाँ पर अगर मुझे ये वेबसाइट का URL कॉपी करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी लिंक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपी सक्सेसफुल। यहाँ पर मैं होम जाकर अगर मुझे कहीं भी इस वेबसाइट को सर्च करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो यहाँ पर वो वेबसाइट का जो लिंक है वो उसने दे दिया है। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जो दूसरा ऑप्शन है वो है सेव वेब पेज। तो दोस्तों अगर आप किसी वेबसाइट को बार बार आपको अगर उसके खोलने की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है यानी कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई ब्लॉग खोल लेता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ लाइक कंप्यूटर ट्रिक्स तो यहाँ पर ये चीज़ खुल चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज को मैं हमेशा के लिए सेव कर लूँ ताकि मुझे यहाँ इस चीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ती है तो मैं सिंपली यहाँ पर टूल्स में जाऊँगा और सेव वेब पेज पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेव पेज का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं उसे यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है सेव पेजेस वहाँ पर जाऊँगा तो ये मुझे दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर ट्रिक्स आ चुका है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब और कुछ हाई सर्च करके भी करा हुआ है। तो दोस्तों आप ऊपर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो कि द फॉलोइंग पेज आर सेव्ड यू कैन रीड इट नो मैटर वेट एवर योर नेटवर्क इज़ कनेक्टेड यानी कि हम बिना इंटरनेट के भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ये हमारे अंदर सेव हो चुका है हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं अगले फीचर्स की ओर। तो यहाँ पर हमें फाइंड इन पेज का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर हमने कोई भी वेबसाइट खोली हुई है लाइक मैं यूट्यूब भी खोल लेता हूँ तो मैं यूट्यूब को यहाँ पर फटाफट से खोल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब खोली हुई है और मुझे यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है तो मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फाइंड इन पेज और यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है ऑप्शन, वहाँ पर मैं लिखता हूँ वीडियो। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ भी उस पेज में वीडियो लिखा हुआ है वहाँ पर उसने टिक करके दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है तो यहाँ पर उसने येल्लो कलर का सिंबल बना दिया है, यहाँ पर भी येल्लो कलर का सिंबल बना दिया है, यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर का सिंबल बना दिया है। और दोस्तों जहाँ कहीं भी वीडियो लिखा हुआ है उसने वो हाईलाइट कर दिया है यानी कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना है तो हम इस चीज़ की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अगला ऑप्शन की तरह जाए तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट का आ चुका है। तो दोस्तों हम इस स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ब्राउज़र में से ही ले सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है जैसे कि हमने कोई चीज़ डाउनलोड करी है और उसकी जो प्रोसेस है इंस्टॉलिंग की, अगर उसको आपको सेव करना है तो आप सिंपली उस वेबसाइट पे इंस्टॉल करते वक्त नहीं जाना चाहोगे तो आप स्क्रीनशॉट की तरह उसको सेव कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं सेव स्क्रीनशॉट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑल और विजिबल का मुझे ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पर ऑल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हो चुका है, यहाँ पर मैसेज आ चुका है। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन है सेंड टू लॉन्चर, वो ज़्यादा काम का नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं लेना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट का। तो यहाँ पर ट्रांसलेट में अभी जो है वो ओनली हमें चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट के लिए मिलता है यानी कि वो हमारे काम का नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च करता हूँ तो यहाँ पर इंग्लिश में ये चीज़ यूट्यूब खुल चुका है। अब मुझे अगर इस पेज को ट्रांसलेट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर टूल्स में जाऊँगा और ट्रांसलेटेड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे आपको इंग्लिश के नीचे चाइनीज़ लैंग्वेज का कुछ सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो जो पूरा पेज है वो चाइनीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा पूरा पेज है वो चाइनीज़ में कन्वर्ट हो चुका है।
दोस्तों चलते हैं अगले फीचर्स की ओर। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो रिसोर्सेज स्नीफर नेटवर्क लॉग और वीओ सोर्स वो सब ज़्यादा काम के नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो सेटिंग्स है, हम सेटिंग्स में देख लेते हैं कि सेटिंग्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पहला हमें जनरल का ऑप्शन मिल जाता है। जनरल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों हमें ब्राउज़र के लिए एक अलग से अकाउंट क्रिएट करना है तो हम कर सकते हैं, वो हमें कुछ चीज़ों के लिए काम आता है। फिलहाल के लिए मैं अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर यूज़र एजेंट जो है वो मैंने आपको समझाया था, वो बाहर भी हमें ऑप्शन दिया गया है, यही वो हम यहाँ से भी सेट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए उसे डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लेता हूँ। और अगर आपको ब्राउज़र का डेटा क्लीन करना है तो आप सेटिंग्स में जनरल में जाकर यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्लीन डाटा पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, जो भी हमें क्लीन करना है उसे हमें सिंपली यहाँ पर टच करके क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है, तो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर जैसे दिख रहा है। दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है वो ब्लॉक एड्स का है। अगर हम और ऐड को ब्लॉक करना चाहते हैं तो सिंपली हमें उसे टिक रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। और दोस्तों मैं जब से भी यूज़ कर रहा हूँ तब से ऑन है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 151 एड्स हैव बीन ब्लॉक्ड, यानी कि 151 एड्स को उन्होंने ब्लॉक करा है मेरे लिए। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन मिल रहा है वो एड्स मार्क्ड का है। तो ये कैसा ऑप्शन है, तो हम सिंपली अगर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और ब्राउज़र अगर उस ऐड को पहचान नहीं पा रहा है और ऐड को ब्लॉक नहीं कर रहा है तो हम सिंपली उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर प्लस का बटन दिख रहा है तो हम यहाँ पर URL ऐड करेंगे और यहाँ से टैग्स डालकर उस ऐड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पर हम जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो हाइड ऑटो ऑपरेशन बार्स का ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं उसे डिसेबल कर रखा हूँ, और दोस्तों आपको भी उसे डिसेबल रखना है क्योंकि ये ऑप्शन है, जैसे कि हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप हमें वेबसाइट का जो नाम है उसके नीचे कितना लोड हुआ है उसका जो ऑपरेशन बार है वो दिखता है, वो नहीं दिखेगा अगर आप उसे अनेबल कर देते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल टू हाइड और वो सब कर देते हैं तो वो नहीं दिखेगा, इसलिए आपको उसे डिसेबल ही रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा जो ऑप्शन मिल रहा है वो UI मोड, यानी कि यूज़र इंटरफेस मोड। तो दोस्तों यूज़र इंटरफेस मोड क्या होता है, तो यूज़र इंटरफेस मोड में यहाँ पर दो तरह के यूज़र इंटरफेस हमें दिए गए हैं। यहाँ पर ऑटो दिया गया है जिसमें जिस वेबसाइट को जैसी इंटरफेस की ज़रूरत है वैसा ही हमें मिलेगा, और जो हम ट्रेडिशनल सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल में हमें सारी वेबसाइट जो उसके रियल फॉर्म में है वहीं में मिलेगी, और यहाँ पर अगर हम सिंपल पर क्लिक करते हैं तो जो सारी वेबसाइट्स है उसे वो सिंपल में कन्वर्ट, जो सॉरी ये ब्राउज़र के लिए है, तो हम ऑटो में जो है वो हमें जो अभी इनपुट दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, और ट्रेडिशनल में क्लिक करते हैं तो कुछ और ऑप्शन ऐड हो जाएंगे और ब्राउज़र कुछ अलग तरीके से दिखने लगेगा, और हम सिंपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम बिल्कुल सिंपल इंटरफेस चाहते हैं। तो ये सिंपली यहाँ पर ब्राउज़र का मोड सिलेक्ट करना है। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन मिल रहा है वो होम पेज का मिल रहा है, तो हमें होम पेज पर क्या रखना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कभी भी अगर ब्राउज़र को खोलते हैं और हमें कोई वेबसाइट दिखनी चाहिए ऐसा हमें करना है तो हमें सिंपली यहाँ पर बुकमार्क पर क्लिक करना है, बुकमार्क हमने जो सेव, हम वहाँ पर वेब पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हम वेब पेज लिख देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ youtube.com और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और अगर हम बैक जाएंगे और अगर वापस ब्राउज़र में आएंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर हम यहाँ से भी जो ब्राउज़र है उसे क्लोज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर टर्न ऑफ का बटन, मैं सिंपली यहाँ पर से उसे ऑफ कर दूंगा और हम उसे फिर से ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये जो है मैंने आई थिंक कुछ गलत डाला हुआ है, इसलिए बाकी आप देख सकते हो कि वो जो है हमने जो डाला हुआ था डिफ़ॉल्ट जो बुकमार्क वो उसने सर्च करने की कोशिश कर ली है, यहाँ पर वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा है, लेकिन उसने जो हमने जो फंक्शन देखा था वो बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो हम फिर से यहाँ पर जनरल में चले जाते हैं, सेटिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है
वो हम हमें सर्च इंजन का मिल जाता है। तो हमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम जो बार में सर्च करते हैं वो हमें डायरेक्टली गूगल इंजन मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी इंजन्स हैं, जैसे कि बींग इंजन हो गया, यहाँ पर बाइडू हो गया, उसे भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गूगल सबसे पावरफुल सर्च इंजन है, तो हम उसे गूगल ही हम लोग सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मैं उसे गूगल ही रहने देता हूँ। यहाँ पर हम टैक्स की साइज सेट कर सकते हैं कि हमें टैक्स कौन सी साइज का रखना है। मैं उसे नॉर्मल पर ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हम ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, यानी कि हमें पोर्ट्रेट मोड में चाहिए या फिर लैंडस्केप मोड में चाहिए। अगर हम लैंडस्केप मोड सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो विंडो है वो लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। तो मैं उसे सिस्टम पर ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हमें जो हमारा डाउनलोड होगा उसकी लोकेशन सेट करनी है कि हमें डाउनलोड कहाँ पर चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ से सिंपली यहाँ पर से डाउनलोड सेट कर सकते हो, डाउनलोड का लोकेशन। यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन है यूआरएल बॉक्स कंटेंट, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऑपरेशन का मिल जाता है, यहाँ पर से हम कुछ फीचर्स को टिक मार्क और ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पुल टू रिफ्रेश ग्रेस्टोर का ऑप्शन है, जैसे कि हम अगर अगर हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और हमें रिफ्रेश करना है, तो हमें सिंपली अपने जो फिंगर है उससे ऊपर से नीचे तक पुल करना है, तो ये जो है रिफ्रेश पेज हो जाएगा। ये सब ऑप्शन हम यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है कि प्रेस वॉल्यूम की टू स्क्रॉल, कि अगर हम वॉल्यूम की को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारा वेब पेज जो है वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल होगा, और अगर नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा वेब पेज जो है वो नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा। तो दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है वो मिलता है कस्टमाइज का। दोस्तों हम अपने हिसाब से ब्राउज़र को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे कि यहाँ पर हमें ये लोगो दिख रहा है, लोगो हमें बदलना है तो सिंपली यहाँ पर हमें लोगो पर क्लिक करना है और हमें जो भी रखना है वो हम रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, मैंने वैसे ये चेक नहीं किया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर लिख ले लेता हूँ गूगल और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल लिखा हुआ आ चुका है। मैं फ़िलहाल के लिए उसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली इमेज को ऐड करके यहाँ पर इमेज कोई भी सिलेक्ट करूँगा तो कोई भी बैकग्राउंड इमेज आ जाएगा। जैसे कि ये हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो आ चुका है, तो मैंने उसे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में भी वही इमेज सेट हो चुका है। आप जो सर्च बार है उसे 2 बार देख सकते हो, ये इसी का इफेक्ट है। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल के लिए उसे भी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर से हम स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट और कलरफुल और फ्रूटी, 3 स्टाइल उन्होंने दिए हुए हैं। और यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स है जहाँ के हम कितनी बुकमार्क हम होम पेज पर चाहते हैं और उसकी जो बैकग्राउंड की जो ब्राइटनेस और क्या बोलते हैं जो उसकी ओपेसिटी है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इमेज बैकग्राउंड में रखा था उससे अगर हमें लाइट करना है कि वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो तो यहाँ से हम सेटिंग्स में जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो एडवांस का है। तो दोस्तों एडवांस में हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर अनेबल ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर रिस्टोर टैब्स ऑन स्टार्टअप का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर हमने किसी भी वेबसाइट को अधूरा छोड़ा है किसी जगह पर और अगर हम फिर से जब भी ब्राउज़र में आएंगे तो वो हमें वहीं से ही एक्सेस कराएगा। यानी कि मैंने यूट्यूब देख रहा था और मैंने डायरेक्टली ब्राउज़र को होम स्क्रीन प्रेस करके ऑफ कर दिया है, और अगर मैं फिर से ब्राउज़र को खोलूँगा तो वो मुझे यूट्यूब पर ही रखेगा, वो मुझे होम स्क्रीन पर नहीं ले जाएगा। और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑफिशियली मैंने ऑन किया हुआ है, ये ऑफ आता है। आप भी अगर ये अच्छा ऑप्शन है आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन है गो बैक विदाउट रीलोडिंग, यानी कि अगर हम किसी भी जगह पर बैक प्रेस करते हैं, जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और अगर बैक प्रेस करते हैं तो दोस्तों जो बैक वाला पेज है वो ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्राउज़र है वो स्टोर रखेगा, और हम जब भी बैक प्रेस करेंगे तो वो फिर से लोड नहीं करेगा बल्कि जो उसने स्टोर कर रखा है वहीं से ही हमें एक्सेस करा देगा। तो दोस्तों ये थे एडवांस के कुछ फीचर्स। यहाँ पर हम दूसरी ओर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एड्स ऑन का मिल जाता है, यानी कि
मैंने आपको बताया था कि जो डाउनलोड मैनेजर है वो हमें डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हमें ऑनलाइन H1 हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये चाइना का ब्राउज़र है, तो फिलहाल ये सब जो है और है वो चाइना में दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर हम यहाँ पर डाउनलोड मैनेजर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड मैनेजर का ऑप्शन है और QR कोड स्कैन, ये दोनों हमें ऐड कर सकते हैं। डाउनलोड मैनेजर हम ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर मैं ओके करूँगा तो वो मुझे प्ले स्टोर से ये जो है एडवांस डाउनलोड मैनेजर उसे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो मैं ये 3.2 MB का जो डाउनलोड मैनेजर है उसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और देखते हैं डाउनलोड मैनेजर कैसा होता है। जब तक वो इंस्टॉल होता है हम लोग दूसरे फीचर्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा है वो स्क्रिप्ट का है। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट और किसी पर हमने कुछ भी प्रोग्राम किया है तो वो हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक क्लिक करके हम कोई भी स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं, कि उसका पहले डोमेन लिखना है, फिर जो जावास्क्रिप्ट कोड होता है वो लिखना है, और पूरी स्क्रिप्ट जो है वो गेट मोर स्क्रिप्ट पे लिख लेना है, वहाँ से सॉरी सर्च कर लेना है। तो दोस्तों डाउनलोड मैनेजर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो हम सिंपली यहाँ पर अगर आप डाउनलोड मोड में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो जो डाउनलोड मोड हमने डाउनलोड किया है डाउनलोड मैनेजर वो कुछ इस तरह दिखता है। तो दोस्तों डाउनलोड मैनेजर पर मैं और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों आखिर में यहाँ पर जो ब्राउज़र है उसका अबाउट मेनू है, यहाँ पर उसके कुछ कॉन्टैक्ट अस का डिटेल दिया गया है, टेलीग्राम अकाउंट का डिटेल दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट का डिटेल दिया गया है। तो आई होप यू गाइस यू एन्जॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।